दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। इस वक्त मैं हूँ छत्तीसगढ़ के एक खूबसूरत सी सिटी जिसका नाम है अंबिकापुर, और आज मैं अंबिकापुर से जाने वाला हूँ वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश स्टेट में पड़ता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेट हाईवेज की कंडीशन को, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के अंत तक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अंबिकापुर से वाराणसी की जो दूरी है वो लगभग 7.5 घंटे की है, और जो उसकी डिस्टेंस है वो लगभग 312-315 किलोमीटर पड़ता है। अंबिकापुर से वाराणसी जाने के बीच में जो बड़े जगह आपको मिलेंगे वो वाड्रफ नगर, रेणुकूट, चौपन और अरहरा है। तो हम अंबिकापुर से पहले जा रहे हैं वाड्रफ नगर, और वाड्रफ नगर जाने के लिए आप दो रास्तों का यूज़ कर सकते हैं अंबिकापुर से। एक लाटरी अनुज नगर होते हुए जा सकते हैं और एक प्रतापपुर होते हुए जा सकते हैं। तो इस वक्त हम प्रतापपुर वाली रोड पर चल रहे हैं, और इस वक्त जो आप रोड देख रहे हैं ये रोड काफ़ी अच्छी स्थिति में है, और यह जो रोड है वो स्टेट हाईवे 2 है। तो आप ये स्टेट हाईवे 2 की जो आप कंडीशन देख सकते हैं, और इस वक्त अभी हम छत्तीसगढ़ स्टेट में ही हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं प्रतापपुर। प्रतापपुर क्रॉस करने के बाद आपको थोड़े रास्ते ख़राब मिल सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि ये घाट प्रारंभ का एक बोर्ड लगा हुआ है, और यह जो घाटी है ये पिंडारी घाटी कहलाती है, और पिंडारी घाटी प्रतापपुर जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, और ये वाड्रफ नगर के बीच में ही पड़ता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम काफ़ी ट्रैवलिंग करने के बाद हम अब पहुंच चुके हैं वाड्रफ नगर। अब हमारे वाड्रफ नगर से आगे की जो जर्नी है वो रेणुकूट के लिए स्टार्ट होगी। वाड्रफ नगर पार करने के बाद जो बड़ी जगह मिलेगी वो है रेणुकूट, और वाड्रफ नगर और रेणुकूट के बीच में ही हम छत्तीसगढ़ और यूपी का बॉर्डर भी देखेंगे। तो इस वक्त अभी हम छत्तीसगढ़ में ही चल रहे हैं।
यहाँ हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट की सीमा समाप्त होती है। और ये सामने आप ये बोर्ड देख रहे हैं जहाँ वेलकम बोर्ड लगा हुआ है उत्तर प्रदेश का, इसके बाद से उत्तर प्रदेश की सीमा स्टार्ट होती है। सामने लगे इंफॉर्मेशन बोर्ड में आप देख सकते हैं कि रेणुकूट अभी 40 किलोमीटर बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश स्टेट की सीमा क्रॉस करने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो आपको जो जगह मिलेगी पहली वो है वभनी, और वभनी से आगे आपको रेणुकूट मिलेगा। जैसा कि आप सामने बोर्ड में देख रहे हैं कि वाराणसी अभी जाने के लिए हमको 139 किलोमीटर ट्रैवल करना है। अभी तक हमें जो रोड की कंडीशन मिली है वो काफ़ी शानदार मिली है, और इसी स्टेट हाईवे पे आपको मिलेंगे टोल गेट। यहाँ के टोल गेट में मैंने जो पेमेंट किया है वो लगभग कैश में ही किया है, क्योंकि यहाँ अधिकतर आपको फास्टैग वाली सुविधा नहीं मिलेगी। इस वक्त जो आप स्टेट हाईवे देख रहे हैं ये स्टेट हाईवे काफ़ी शानदार है, और ये जो स्टेट हाईवे है वो 5 है। तो सामने लगे बोर्ड पे आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं 54, और 54 के बाद हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो अरहोरा है। सामने आप देख सकते हैं स्टेट हाईवे की स्थिति काफ़ी अच्छी है।
इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अरोरा, और अरोरा के बाद आप वाराणसी जाने के लिए दो रास्ते यूज कर सकते हैं। एक तो रास्ता जाता है जमुई होते हुए और एक रास्ता जाता है नारायणपुर होते हुए। तो हम इस वक्त नारायणपुर होकर जाएंगे। तो इस वक्त मैं हूँ वाराणसी में। तो दोस्तों, इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जगह के साथ। थैंक्स।